हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि यार आप विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव यार अपने स्मार्टफोन से या फिर एंड्रॉइड फोन से किस तरीके से बना सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बताया था कि आप किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से बना सकते हो, और आज फाइनली ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। डिटेल वीडियो होगा तो यार कोई भी स्टेप मिस मत करना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो। तो फटाफट से यार इस वीडियो को शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपली आपको जाना होगा गूगल क्रोम पर, नेट कनेक्ट करके आपको यहाँ पर रखना होगा। सिंपली आपको यहाँ पर डालना होगा विंडोज 11, जो कि आपको यहाँ पर विंडोज 11 की जो है वो ISO को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही यहाँ पर करने वाले हो। सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड विंडोज 11 ISO यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, मल्टी एडिशन ISO। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको जो है एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने को आएगी, आप किसी भी देश से हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश इंटरनेशनल सेलेक्ट करने वाले हैं, कन्फर्म कर देते हैं। और जैसे कंफर्म करोगे थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना है, और यहाँ पर आपको 64 बिट का सिंगल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि विंडोज 11 32 बिट में अब अवेलेबल नहीं है। 32 बिट का ऑप्शन सिर्फ विंडोज 10 में ही देखने को मिलता था। तो 64 बिट पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लेना, और अराउंड 5 से 6 GB के आसपास की ISO होगी। मैंने यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता अगर मैं डाउनलोड भी यहाँ पर दिखाता। तो ये सब करने के बाद अब आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले 8 GB की मिनिमम पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए। 4 GB की नहीं चलने वाली है, 16 GB की होगी चल जाएगा, 32 उससे ऊपर होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेन ड्राइव चाहिए USB 2.0 हो 3.0 उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही यहां पर चाहिए अपने स्मार्टफोन के लिए एक टाइप सी OTG, माइक्रो USB से कर रहे हो तो माइक्रो USB की OTG चाहिए होगी। और बाकी सब इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो भी चीज आपको करनी है आप परचेज कर सकते हो। तो सिंपली हम OTG यहां पर लगा देते हैं, और हमने OTG के थ्रू अपनी पेन ड्राइव को भी यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट करा यहाँ पर हमारी OTG जो है इसने डिटेक्ट कर ली है, और देख सकते हो OTG का साइज यहाँ पर 8 GB दिखा रहा है। जो भी सामान होगा, जो भी आपकी फाइल्स वगैरह होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको करना है इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर बैक आ जाना है, ये सब कर देना है। तो इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। जैसे प्ले स्टोर पर चलोगे यहाँ पर डाउनलोड करना है विंटोए, विंटोए ऐप यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेनी है। हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं विंटोए, और हमने विंटोए जैसे डाउनलोड करी हुई है। ये ऐप फ्री नहीं है, आपको थोड़े बहुत कॉइन्स वगैरह जो है करने होंगे, उसके बाद ही करना होगा। देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको ओपन किया यहाँ पर इसने हमारी क्रूजर ब्लेड को डिटेक्ट करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे ये थोड़ा सा आपको रीड करेगा, यहाँ पर हमारी जो क्रूजर ब्लेड है वो अब आ चुकी है। बाकी विंटोए का पैकेज वगैरह ये सब आपको देखना है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर MBR और GPT। जो MBR है वो थोड़ा सा पुराना सिस्टम होता है उनमें आती थी, और GPT लेटेस्ट सिस्टम में आ रही है। तो अभी मेरा पुराना है तो मैं MBR पर ही सेलेक्ट करूंगा, आप GPT भी कर सकते हो, और सिक्योर बूट आपको दोनों में ही करना होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल करोगे तो यहां पर देख सकते हो डिस्क आपकी फॉर्मेट हो जाएगी, और जो दो कॉइन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया फ्री नहीं है, थोड़ा ऐड वगैरह देखकर आप इसको कर सकते हो। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये 100 तक की होगा, और विंटोए की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगी आपकी पेन ड्राइव में। बाकी का भी प्रोसेस आपको जो है वो धीरे धीरे बताने वाला हूं, तो वेट करना। और यार लाइक कर रहे हो शेयर कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अंत तक वीडियो देखना। मिस करोगे तो यार फिर मुझे नहीं लगता कोई चीज अगर मिस हो जाती तो आपकी विंडोज वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर विंटोए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओके कर देना है। जिसे ओके करोगे अब यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कॉपी फाइल टू USB। कॉपी फाइल टू USB करने के बाद सिंपली आपको अपनी जो विंडोज मैंने डाउनलोड करवाई है, विंडोज 11 या विंडोज 10, विंडोज 7 जो भी हो, उसको आपको फटाफट से लोकेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है लोकेट कर लेता हूँ कहाँ पर है मेरी। तो ये रही हमारी अदर्स में यहाँ पर विंडोज 11 की 23H2 वाली 6.80 GB के आसपास की है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पर कॉस्ट 1 कॉइन लिख रहा है, इसे ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे यहाँ पर कॉपिंग फाइल देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है, ये आपके सिस्टम पर भी डिपेंड करता है कितना समय ये लेने वाला है। मुझे लगता है जैसे मैंने पहले किया था आधे से एक घंटा लगा था, तो इतना ही टाइम आपको लगेगा, थोड़ा वेट करना है। 100% तक होगा तब तक आप वेट करिए। तो फाइनली हमारा जो सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो फुल कॉपीड सक्सेसफुली। जैसे ओके करोगे यहाँ पर अब आपकी बूटेबल पेन ड्राइव जो है यार वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं सिंपली चलता हूँ माई फाइल्स में, और जैसे माई फाइल्स में जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव जो कनेक्टेड है वो दिखा नहीं रहा है, क्योंकि जो पेन ड्राइव है वो जो एंड्रॉइड सिस्टम है उसमें करप्टेड दिखाने वाला है, ठीक है, करप्टेड दिखाएगा। जैसे ही आपको क्या करना है, एक बार इसको निकाल लेना है, ठीक है, निकाल लेना है। उसके बाद आपको इसको दोबारा से फ़ोन में एंटर नहीं करना है। अगर आप इसे फ़ोन में दोबारा से जो है वो लगाओगे ना
तो क्या रहेगा कि फोन के कुछ ऑटोमेटिक क्रिएटिंग वाले फोल्डर्स होते हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं। फिर ये क्या रहता है कि बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर ये काउंट नहीं होती है, ठीक है, दोबारा इसे नहीं लगाना है, एक बार यहाँ पर ना दिखे उसके बाद निकालना है, अपने सिस्टम में लगाना है। मैंने अभी लेटेस्ट यहाँ पर जो विंडोज 10 वाली मैंने वीडियो बनाई थी उससे मैंने विंडोज 10 इंस्टॉल किया और पूरी अच्छी तरीके से विंडोज इंस्टॉल हो गई, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से आप विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव अपने स्मार्टफोन से बना सकते हो। तो यार आई होप ये ट्यूटोरियल आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी को यार शेयर करना चाहते हो तो जरूर से शेयर कर देना। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जो है यार दबा करना। मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।